को शुरू करने से पहले ना आप एक बार नीचे देखिए एसके ब्लॉगर्स लिखा होगा, उस पर क्लिक कीजिए और वीडियो के ऑप्शन में जाइए। सबसे नीचे जाएंगे ना तो आपको एक व्लॉग मिलेगा पटना से पूरी तक। तो उस समय मुझे रियलाइज़ हुआ था कि मैं यूट्यूब पे भी कुछ कर सकता हूँ। तो वही थी मेरी पहली ट्रेन जर्नी, एक्चुअल में वहाँ से मेरी यूट्यूब की जर्नी शुरू हुई। तो आज भी हम लोग एक ऐसी ट्रेन में जर्नी करेंगे जो पूरी में टर्मिनेट होगी, पटना से शुरू नहीं होगी लेकिन पूरी में टर्मिनेट होगी। और जैसा कि मैंने लाइव किया था, लाइव में आप लोगों को बताया था कि मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है कॉलेज वगैरह से, तो मैं वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, लेकिन फिर भी आज आपके लिए फिर से एक नई ट्रेन जर्नी। तो आपका सपोर्ट थोड़ा सा कम हो गया है लेकिन कोई बात नहीं, मुझे पता है फिर से वो सपोर्ट मुझे मिलेगा। पिछला वीडियो मैंने अपलोड किया था, वीडियो की फ्रीक्वेंसी कम हो रही है, लॉन्ग टाइम लग रहा है, मतलब एक लंबे समय के बाद वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, लेकिन मुझे पता है कि आपका सपोर्ट फिर से ज़रूर मिलेगा। सो हे गाइस, दिस इज़ सागर एंड वेलकम बैक टू द चैनल। है एशिया का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन इन द टर्म्स ऑफ प्लेटफॉर्म्स, जी हाँ, हावड़ा। और यहीं से आज की जर्नी शुरू करेंगे। अगर इस स्टेशन के बारे में जानकारी दे दूं मैं तो यहाँ पे मात्र 7 ट्रेनें आके हॉल्ट करती हैं और 341 ट्रेनें ऑरिजिनेट होती हैं और 334 ट्रेनें टर्मिनेट होती है हावड़ा रेलवे स्टेशन पे। तो मुझे इससे मतलब नहीं है कि कितनी ट्रेनें टर्मिनेट होती हैं, मुझे मेरे दिमाग में ये क्वेश्चन था कि 334 ट्रेनें जो टर्मिनेट होती हैं उनको रखा कहाँ जाता है। तो यार ये भी सोचने वाली बात है। चलिए यहाँ से जर्नी शुरू करेंगे और देख रहे हैं न्यू ईयर के मौके पे कितने अच्छे से सजाया गया है हावड़ा रेलवे स्टेशन को। तो चलिए चलते हैं अंदर। इसके पहले भी जर्नी की है यहाँ से, एक बार फिर से हावड़ा ने बुलाया है। चलिए हावड़ा से जर्नी शुरू करते हैं। आज की जो हमारी ट्रेन जर्नी है वो होने वाली है ट्रेन नंबर 18409, यानी कि 18409 हावड़ा से चलकर पुरी को जाने वाली, वही जगन्नाथ पुरी, जी हाँ, पुरी को जाने वाली श्री जगन्नाथ एक्सप्रेस। ये ट्रेन टोटल डिस्टेंस कवर करती है 500 किलोमीटर विथ एवरेज स्पीड ऑफ 53 किलोमीटर पर आवर एंड मैक्सिमम स्पीड ऑफ 110 किलोमीटर पर आवर। हर दिन ये ट्रेन हावड़ा से रात को 7:05 पर रवाना होती है और अगले दिन सुबह 4:30 पर आप होंगे पुरी। और ये ट्रेन टोटल 13 हॉल्टों पे रुकती है, 9:25 का समय लेती है हावड़ा से पुरी के बीच में। तो इसी ट्रेन में आज हम लोग जर्नी करने वाले हैं और इस ट्रेन की देखरेख करती है ईस्ट कोस्ट रेलवे। और इस ट्रेन का कुछ जो कोच कॉम्पोजिशन है ना वो है 6 इसमें जनरल क्लासेस के कोच लगाए जाते हैं, 9 स्लीपर क्लासेस के और 3 थर्ड एसी, 1 सेकेंड एसी का कोच लगाया जाता है। तो चलिए इस जर्नी को हम लोग एक नई एक्साइटमेंट के साथ शुरू करते हैं। हमारी ट्रेन को प्लेटफॉर्म नंबर 22 यानी कि 22 नंबर प्लेटफॉर्म पे लगाया जा रहा है हावड़ा रेलवे स्टेशन पे। और ये लोकोमोटिव तो यहीं पे रह जाएगा, वेब 7 आगे लगाया जाएगा हमारा डोमिनेटर लोकोमोटिव यानी कि डोमिनेटिंग लोकोमोटिव। जी हाँ, श्री जगन्नाथ एक्सप्रेस मेल एक्सप्रेस टाइप की ट्रेन है और ये ट्रेन बहुत पुरानी है, 1 जून 1976 यानी कि 1976 में शुरू किया गया था इस ट्रेन को और अभी तक इस ट्रेन में ICF कोचेस चल रहे हैं। लोकोमोटिव उधर लगाया गया था, वही सेम लोकोमोटिव इधर भी लगाया गया है, संतरागाछी का WF4 लोकोमोटिव हमें लेके चलेगा हावड़ा से पुरी तक। और इधर देखिए आप साउथ ईस्टर्न रेलवे की लोकल ट्रेन यानी कि कोलकाता लोकल। रेलवे स्टेशन की यही तो खास बात है, इधर ट्रेन और इधर देखिए रोड जो इधर की तरफ जा रहा है और उधर भी रेलवे स्टेशन यानी कि प्लेटफॉर्म।
जर्नी इज अबाउट टू स्टार्ट, बट डोंट वरी, फिर से वापस आ रहा हूँ कोलकाता बहुत जल्द। ये रहा अपना कोच B2, चलते हैं अपने सीट पे। चलिए कोच का हाल कुछ ऐसा है, देख सकते हैं। और मेरी सीट नंबर है यहाँ पे 24, यानी कि लोअर बर्थ, देख सकते हैं। और ये भी अपनी सीट है ऊपर में, अपर बर्थ। और यहाँ पे जो बहुत कुछ दर्शाया गया है हिस्टोरिकल चीज़ों को, देख सकते हैं आप। इंटीरियर की बात कर लूँ तो जैसे ICF कोचेज में होता है नॉर्मल, सेम वैसे ही इंटीरियर लगाया गया है। सामने एक मिरर आप देख सकते हैं, चार्जिंग पॉट दिया गया है और 3x3 की स्लीपिंग कैपेसिटी है। और इधर आप देख लें, इधर मतलब भीड़ बहुत है। साइड भी कुछ वैसे ही है जैसे नॉर्मल ICF कोचेज में होता है। RPF के जवान अपने ड्यूटी पे। अभी टाइम हो रहा है गाइस 7:03 और 2 मिनट के बाद हमारी ट्रेन जो है ना हावड़ा रेलवे स्टेशन, यानी कि एशिया के सबसे बड़े रेलवे स्टेशन इन टर्म्स ऑफ प्लेटफॉर्म से रवाना होगी, 22वें नंबर प्लेटफॉर्म से, यानी कि सेकंड लास्ट प्लेटफॉर्म, 23 प्लेटफॉर्म से टोटल यहाँ। ये देखिए गाइस सामने हमारे इसका भी डिपार्चर हुआ है, कवि गुरु एक्सप्रेस। आपको अंधेरे में दिख नहीं रहा होगा लेकिन मैंने नाम पढ़ लिया, हावड़ा से जमालपुर को जाने वाली कवि गुरु एक्सप्रेस हमारे साथ साथ चल रही है। देखिए सामने खड़ी है गाइस क्रिया योग एक्सप्रेस, हावड़ा से हटिया तक जो चलती है। किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद हम लोग आ चुके हैं मेचेदा रेलवे स्टेशन। स्टेशन कोड है MCA और ये रेलवे स्टेशन साउथ ईस्टर्न रेलवे के खड़गपुर डिवीज़न में आता है। इस स्टेशन पे टोटल 6 प्लेटफॉर्म्स हैं और यहाँ पे लगभग 119 ट्रेनें आके हॉल्ट करती हैं। 3 ट्रेनें ऑरिजिनेट होती है और 8 ट्रेनें टर्मिनेट होती है मेचेदा रेलवे स्टेशन से। और यहाँ पे हमारी ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट दिया गया है और 15 मिनट डिले चल रही है श्री जगन्नाथ एक्सप्रेस। यहाँ के फेमस ट्रेनों की बात करूँ तो हावड़ा त्रिवेंद्रम सुपरफास्ट एक्सप्रेस जैसी ट्रेनें यहाँ पे हॉल्ट करती हैं। और 60 किलोमीटर का डिस्टेंस है यहाँ से कोलकाता या फिर हावड़ा का, तो यार आप आराम से जा सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं और वापस आ सकते हैं। चलिए डिपार्चर देख लेते हैं मेचेदा रेलवे स्टेशन से। ICF है लेकिन साउथ ईस्टर्न रेलवे ने बहुत मेंटेन करके रखा है इस गाड़ी को, आखिर ऐतिहासिक ट्रेन जो है। मेचेदा से ट्रेन निकल चुकी है और चलिए कर लेते हैं हम लोग अपना डिनर और देखते हैं क्या क्या है आज डिनर। देखिए ये होने वाला है आज हमारा डिनर। यहाँ पे देखिए आलू और सोयाबीन की सब्जी है, 2 लिट्टी है, रोटियाँ हैं, पनीर की सब्जी है। और आप अगर कोलकाता से निकल रहे हैं तो यार ये ट्राई ज़रूर करें, ये है मिस्टी दही, तो ज़रूर खाएं। तो चलिए ये तो घर का खाना है, खाते हैं मिस्टी दही भी ट्राई करते हैं और फिर आपको मैं बताता हूँ कि टेस्ट कैसा था। रोटी और आलू सोयाबीन की सब्ज़ी ट्राई करते हैं, बहुत सही टेस्ट है। पनीर की सब्ज़ी ट्राई करते, घर के खाने का टेस्ट तो आपको पता ही है, बस वही टेस्ट है। और अब हम लोग ट्राई करेंगे कोलकाता की फेमस यानी कि मिस्टी दही। धन्यवाद।
लिटरली यार, अगर आप कोलकाता आए ना तो रसगुल्ला और मिष्टी दही ट्राई करना ना भूलें। आप टेस्ट करिए, मैं आपको नहीं बताऊंगा टेस्ट, आप आइए कभी और टेस्ट कीजिए, तभी आपको पता लगेगा कि क्यों मैं ऐसा एक्सप्रेशन दे रहा हूँ। मुझे बहुत अच्छी लगी, देख सकते हैं कोच का टेम्परेचर यहाँ पे दिखा रहा है, और ये अमूमन किसी ट्रेन में देखने को नहीं मिलता है, बहुत ही कम। सौ 15 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद हम लोग पहुंच चुके हैं खड़गपुर रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है KGP, और ये रेलवे स्टेशन साउथ ईस्टर्न रेलवे के खड़गपुर डिवीज़न में आता है, और इस स्टेशन में टोटल 12 प्लेटफॉर्म्स हैं, और यहाँ पे 313 ट्रेनों का हॉल्ट दिया गया है, और 37 ट्रेनें ऑरिजिनेट होती हैं और 38 ट्रेनें टर्मिनेट होती हैं। एक टाइम पे खड़गपुर रेलवे स्टेशन पूरे दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म माना जाता था, लेकिन अब नहीं है, अब ये दूसरे या तीसरे नंबर पे आता है। इसके पहले वाले ब्लॉग में मैंने आपको बताया होगा। और यहाँ से गुजरने वाली फेमस ट्रेनों की बात करूँ तो अमरावती एक्सप्रेस, अंग एक्सप्रेस जैसी ट्रेनें यहाँ पे हॉल्ट करती हैं। हमारी ट्रेन का यहाँ पे 5 मिनट का हॉल्ट दिया गया है, और साथ में ही हमारी ट्रेन 2 मिनट बिफोर आई है खड़गपुर रेलवे स्टेशन पे। और मैं वेट कर रहा था यार, 1 नंबर और 3 नंबर प्लेटफॉर्म जो है ना एक ही लाइन में बने हुए हैं, पीछे देख सकते हैं हमारी ट्रेन खड़ी है, वो 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे खड़ी है। और जब मैंने वीडियो बनाना शुरू किया था, अराइवल दिखाना शुरू किया था, तो वो 1 नंबर प्लेटफॉर्म था, तो मुझे तो लग रहा था यहाँ से कोई पैसेंजर का रिजर्वेशन होगा नहीं, लेकिन यार इतने ज़्यादा पैसेंजर्स थे यहाँ पे। और खड़गपुर फेमस है IIT, यानी कि आपने बहुत लोगों के मुँह से सुना होगा कि यार IIT कर रहे हो कहाँ से, खड़गपुर चले जाओ, क्योंकि यहाँ पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो है ना, उसका जो पहला इंस्टीट्यूट था वो 1950 में पहली बार यहाँ बना था, और अभी तक सर्विस दे रहा है। तो चलिए चलते हैं ट्रेन के अंदर, क्योंकि दो मिनट बिफोर आई है, 5 मिनट का यहाँ पे हॉल्ट दिया गया है, डिपार्चर देख लेते हैं। हल्की हल्की ठंड भी लग रही है यहाँ पे, चलिए चलते हैं अंदर और मैं आपको दिखाता हूँ प्लेटफॉर्म का हाल। कुछ ऐसा है खड़गपुर रेलवे स्टेशन का 3 नंबर प्लेटफॉर्म, और यहीं पे वो मूवी की शूटिंग हुई थी, महेंद्र सिंह धोनी द अनटोल्ड स्टोरी, यानी कि MS धोनी अनटोल्ड स्टोरी। और ये जो आप एरिया देख रहे हैं ना, वो वाला एरिया, वहाँ पे भी एक सीन था जब शताब्दी ट्रेन छूट जाती है, तो वो सीन वहीं पे मेरे ख्याल से लिया गया था। तो एक मतलब कह सकते हैं हिस्टोरिकल रेलवे स्टेशन भी कहा जा सकता है खड़गपुर को। टाइम से 1 मिनट की देरी से हमारी ट्रेन निकल रही है, सैंड भरने में थोड़ा सा टाइम लग गया था जिस कारण से लेट हो रही है। देखिए 3 नंबर प्लेटफॉर्म से निकल रही है। मुझे पूरा उम्मीद है गाइस आप लोग ये चीज़ नहीं भूले होंगे। टाइम हो रहा है 10:55 और हम लोग पहुंच चुके हैं बालेश्वर रेलवे स्टेशन, स्टेशन कोड है BLS, और ये रेलवे स्टेशन साउथ ईस्टर्न रेलवे के खड़गपुर डिवीज़न में आता है। इस स्टेशन पे टोटल 4 प्लेटफॉर्म्स हैं, और यहाँ पे 211 ट्रेनों का हॉल्ट दिया गया है, 3 ट्रेनें ऑरिजिनेट होती हैं और 3 ट्रेनें टर्मिनेट होती हैं बालेश्वर रेलवे स्टेशन पे। हमारी ट्रेन 3 मिनट डिले चल रही है यहाँ पे, 3 मिनट लेट आई है, और पीछे देख सकते हैं यार इस मौसम में इस जर्नी का यार मज़ा ही कुछ और है। देखिए यार कितना मस्त सीन लग रहा है, और बालेश्वर जो है ना वो फेमस है अपने बीचेस और टेंपल्स के लिए। तो यहाँ पे हमारा 5 मिनट का हॉल्ट दिया गया है, चलिए 5 मिनट के बाद डिपार्चर देखते हैं, 4 मिनट डिले है तो सिग्नल जल्दी दे दिया जाएगा, तो चलिए डिपार्चर देखते हैं बालेश्वर रेलवे स्टेशन से। हमारी ट्रेन आई है 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे, और बालेश्वर रेलवे स्टेशन के बाद मैं चला जाऊँगा सोने। कटक, भुवनेश्वर, खुर्दा रोड जैसे रेलवे स्टेशन कवर नहीं होंगे इस ब्लॉग में, लेकिन कोई बात नहीं यार, एक डेडिकेटेड ब्लॉग आने वाला है उसके लिए, तो आप लोग रेडी रहिएगा। कितना सही लग रहा है ना गाइस यार, अगर रियलिटी में आप अगर यहाँ पे होते हैं तो आपको देखने का मज़ा ही कुछ और होता है। ये गाइस बहुत अंधेरा है, चलिए कोई बात नहीं, अब ब्लॉग को कंटिन्यू कल सुबह करेंगे, तब तक के लिए गुड नाइट। द नेक्स्ट मॉर्निंग,
टाइम हो रहा है 4:09 और हम लोग पहुँच चुके हैं अपने टर्मिनेशन पॉइंट यानी कि पूरी रेलवे स्टेशन। इस स्टेशन का कोड है PURI और ये रेलवे स्टेशन ईस्ट कोस्ट रेलवे में आता है और डिवीज़न जो है वो खुर्दा रोड पड़ता है। इस स्टेशन पर टोटल 8 प्लेटफॉर्म्स हैं और 73 ट्रेनें ओरिजिनेट होती हैं और 74 ट्रेनें टर्मिनेट होती हैं। कोई भी ट्रेन हॉल्ट नहीं करती है क्योंकि ये टर्मिनेशन पॉइंट है, यहाँ पे ट्रेनें ख़त्म हो जाती हैं। और यार यहाँ पे आने के बाद ना पीछे देख सकते हैं आप पूरी रेलवे स्टेशन, यहाँ पे आने के बाद ना यादें ताज़ा हो गई। से एक साल पहले तक पूरे यूट्यूब पे किसी ने भी पूरी की यात्रा नहीं की थी, सिर्फ SK ब्लॉगर्स यानी कि मैंने की थी और वही ब्लॉग था पूरे यूट्यूब पे जो मैंने पटना से पूरी तक की थी। उसके बाद फिर बहुत सारे ब्लॉगर आए और उन्होंने ब्लॉग किया पूरी तक। फेमस ट्रेनों की बात कर लूँ तो यहाँ पे पुरुषोत्तम एक्सप्रेस, नीलांचल एक्सप्रेस, कलिंगा उत्कल सुपरफास्ट एक्सप्रेस जैसी ट्रेनें यहाँ से ऑरिजिनेट होती हैं और टर्मिनेट होती हैं। पूरी जो है वो फेमस है श्री जगन्नाथ मंदिर के लिए, यानी कि यहाँ का जो मेजर अट्रैक्शन है वही माना जाता है। और यहाँ पे गोल्डन बीच है, वहाँ पे आप जाना ना भूले अगर आप पूरी कभी आते हैं तो। घूमने की बहुत ही ज़्यादा अच्छी जगह है, यहाँ से बहुत सारे मतलब टूरिस्ट प्लेसेस हैं, अगर आप यहाँ कॉन्टैक्ट करेंगे तो आप जा सकते हैं वहाँ पे। तो चलिए चलते हैं, यहीं तक थी हमारी जर्नी, फिर मैं मिलूँगा आपसे एक नई जर्नी में एक नई एक्साइटमेंट के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें और हाँ यार सपोर्ट कम हो रहा है, प्लीज़ यार सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए। फिर मैं मिलूँगा आप लोगों से, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। गाइस ये देखिए, ये रहा बाबा जगन्नाथ का मंदिर यानी कि जगन्नाथ पुरी जिसके नाम से फेमस है पुरी। और अभी यहाँ पे बैरिकेडिंग लगाई गई है क्योंकि कोई भी दर्शन नहीं हो रहा है। देखिए बाहर से लोग जो यहाँ पे खड़े होकर दर्शन कर रहे हैं, अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। 3 दिन तक मंदिर जो है वो अभी बंद रखा गया है। और यार यहाँ आके ना एक अलग सी ही सुकून सा फील होता है, देख सकते हैं आप।